कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में 50 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगा है। 18 छात्र छात्राओं ने रैगिंग की शिकायत की है। रैगिंग जिस पर रोक लगी हुई है, रैगिंग नहीं की जा सकती है। वहीं कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में 50 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगा है और 18 छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग की गई है। ये शिकायत इन 18 छात्र छात्राओं ने की है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या शिकायत है इन छात्र छात्राओं की? देखिए, रैगिंग की शिकायत की गई थी पिछले कुछ दिनों के दौरान। 18 छात्राओं ने शिकायत की थी सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ये कस्बा इलाका है, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। तो आरोप है कि एक ही परिसर में दो हॉस्टल है, एक हॉस्टल में छात्र रहते हैं और दूसरे हॉस्टल में जो छात्राएं हैं इस इंस्टीट्यूट में जो पढ़ती हैं वो रहती हैं। तो जो आरोप लगाए गए हैं, जो शिकायत की गई है छात्राओं की तरफ से, उनका कहना है कि छात्राओं के हॉस्टल से छात्राओं को ले जाकर छात्रों के हॉस्टल में ले जाया गया और वहां पे उनके साथ रैगिंग की गई। तो इस बाबत शिकायत की गई है सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष। तो अभी जो बातें सामने आ रही है कि 6 छात्रों को सस्पेंड किया गया है इंस्टीट्यूट में, जो छात्र पढ़ते थे जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई थी उनको सस्पेंड किया गया है। मामला जो है, बाकी जो छात्राएं हैं, जो बाकी छात्र जो हैं, जो आरोप के घेरे में हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। तो काफी गंभीर मामला है यहाँ, क्योंकि 18 छात्राओं ने एक साथ शिकायत की है और इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बताया जा रहा है कि उनकी जांच जारी है। जांच में अगर और भी छात्र दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा।